गाइस कैसे हैं सब। आई एम नितेश वर्मा। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द गुडविल। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आज मैं आपको उसका थ्योरी समझाऊंगा कि गुडविल है क्या, इसका नेचर क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है और हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैं आज हम इसके कंसेप्ट फैक्टर्स हम सारी चीजें इसको समझेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, वैल्यूएशन करने से पहले हमें कई सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि हम इसका वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है और ये है क्या, गुडविल एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। तो आज हम पार्ट 1 में इसको ये रीड करेंगे। देखिए, व्हाट इज द गुडविल। सबसे पहले तो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या मानते हैं, ब्रांड मानते हैं। ये एक ब्रांडिंग है, ठीक है। एक ये रेपुटेशन का कार्य करती है, यानी रेपुटेशन मीन्स वैल्यू क्रिएशन। हमेशा ही याद रखना है कि वैल्यू क्रिएशन तो होगी, ठीक है, लेकिन इसका बेनिफिट भी होना चाहिए, यानी इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होना चाहिए। एडवांटेज मीन्स मेजरेबल आइटम। ऐसे नहीं मैंने कहा कि हाँ भाई फायदा हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है आई डोंट नो, तो दैट इज नो गुडविल। गुडविल का सिंपल सा मीनिंग है देखा जाए तो एक एडवांटेज, कि हमें कितना एडवांटेज हो रहा है। जो हम नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं उससे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से नहीं। और इसमें हमेशा ऑपरेटिंग पार्ट ही इंक्रीज होना चाहिए, अदर देन ऑपरेटिंग नहीं होगा वो हमारी गुडविल नहीं मानी जाती है, ठीक है ना। जैसे सिंपल से देखा जाए तो गुडविल से हमें क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारी गुडविल है। जैसे सिंपल सी बात है कि हमारे गुडविल होने से हमें क्या क्या एडवांटेज हो रहे हैं, यानी कि सबसे पहले तो हमारा ओल्ड कस्टमर हमारा रिटेन्ड हो रहा है, वो कहीं और नहीं जा रहा है ड्यू टू योर सर्विस, आपकी सर्विस की वजह से, आफ्टर सेल सर्विस क्वालिटी, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट मीन्स जैसे आईफोन। देखिए, एक आईफोन है और एक सैमसंग ले लीजिए या फिर वीवो मोबाइल ले लीजिए। देखिए, दोनों के वर्किंग एक ही है मोबाइल की, बट इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है, तो इट इज द गुडविल जो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करने की कैपेसिटी रखता है, वो हमारी गुडविल होती है। यानी कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी जो आपको दे रहा है टू अर्निंग इन नॉर्मल एक्टिविटी, ये याद रखना है हमेशा, नॉर्मल एक्टिविटी में ही ये काम करेगी गुडविल, अदरवाइज नहीं। तो सिंपल से देखा जाए तो एक गुडविल इज ए गुड नेम विच इज ए रेपुटेशन क्रिएशन वैल्यू, और ये हमेशा किसकी वजह से आती है, ये आपके हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ द ओनरशिप से आती है, ठीक है ना। जब आप अपने कस्टमर के लिए कुछ अच्छा करोगे वो सेटिस्फाई करेगा और वो आपके पास वापस आएगा। इससे होगा क्या, देखो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। देखो, गुडविल होने से मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो रहा है, गुडविल मतलब कि नेम एंड फेम के साथ साथ आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे कि एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, नोकिया का। नोकिया इज ए ब्रांड बट नो अर्निंग, नो कैपेसिटी मार्केट, इनका मार्केट शेयर बढ़ाने में ये हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये इसकी गुडविल नहीं होगी। ओके, तो गुडविल इज ए रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच इनेबल टू अर्न द हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल, ठीक है। चलिए नेचर, अब हम लोग इसका नेचर समझते हैं कि एक्चुअली में गुडविल है क्या, कैसी होनी चाहिए गुडविल। नेचर मतलब कि इंटेंजिबल फॉर्म है ये, इंटेंजिबल फॉर्म मतलब कि ये गुडविल है, ये आप सिर्फ ओनली फील कर सकते हैं, नॉट सीन, नॉट टच, इट इज द ओनली सेटिस्फैक्शन वैल्यू।
ठीक है, ये एक सेटिस्फेक्शन वैल्यू पे काम करती है जो कि आपको हायर प्रॉफिट करने में हेल्प करेगी। देखिए गुडविल का मतलब ही क्या है, मैं फिर से मैं बता दूं, सबसे पहला तो मेजरेबल होना चाहिए, सेकंड कैपेसिटी टू अर्निंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ड्यू टू नॉर्मल एक्टिविटी। ठीक है ना, फैक्टर्स, फैक्टर मींस आपकी गुडविल को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है। देखिए एक ही जैसे आईफोन है और एक सैमसंग, दोनों की एक सेपरेट गुडविल है, लेकिन दोनों की गुडविल में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो दोनों को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले होता है मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है। मैनेजमेंट इज द सुपीरियर, मैनेजमेंट ही आपकी गुडविल को भी डिसाइड करता है। अगर मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि नहीं हमें तो प्राइस बढ़ानी है तो, या फिर हमें कस्टमर को डिस्काउंट देना है, जैसे कि टाटा की गुडविल क्या है कि टाटा का मैनेजमेंट क्या करता है, हमेशा अपने स्टाफ को एक्स्ट्रा क्या देता है, डिस्काउंट देता है, तो ये उनकी गुडविल है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया, जैसे आईफोन का एक प्रोडक्ट एमआई का प्रोडक्ट, दोनों में देखिए क्वालिटी लगभग सेम है लेकिन ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट किसका है, आईफोन। लोकेशन, लोकेशन इज अनदर फैक्टर, जैसे कि देखिए एक दिल्ली है और एक मुंबई है, मुंबई की प्राइम लोकेशन मान लो, विले पार्क और भी हो सकती है, या फिर मरीन ड्राइव्स, तो यहाँ के जो भी होंगे यहाँ की गुडविल ज्यादा होगी, जबकि दिल्ली के मार्केट प्लेस की गुडविल अलग होगी, इट इज द डिफरेंस। ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स ट्रेडमार्क, पेटेंट, इनकी वजह से आपकी गुडविल भी वर्क कर सकती है। लॉन्जिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी आपका बिजनेस कितने समय तक रिटेन करता है, बार बार आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, आपके नेम फेम के साथ जुड़ रहे हैं, दैट इज द लॉन्जिबिलिटी। अदर फैक्टर्स में कई सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो आपकी क्या हो सकती है, यूएसपी हो सकती है, टाइप ऑफ गुडविल। देखो गुडविल टाइप्स का मतलब क्या होते हैं, ये दो टाइप की गुडविल होती है, सबसे पहले होती है सेल्फ जनरेटेड और दूसरी होती है हमारी परचेज गुडविल। देखो जैसे कि यहाँ पर मान लो वन पार्टी इन्वॉल्व होती है, आप ऐसे सिंपल याद रखो, और यहाँ पर हमेशा टू पार्टी इन्वॉल्व होगी, वन पार्टी मीन्स आपने ही अपने बिजनेस का नेम क्रिएट किया है, जैसे कि ग्वालियर में आप मान लो सबसे अच्छी शॉप है आनंद मार्ट मान के चलिए आप, या फिर मान लो डोमिनोज, इन्होंने अपनी वैल्यू खुद क्रिएट की है, यानी कि आप अपना नाम खुद ही क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि सिंपल है, एक टीचर है जैसे खान सर, इनकी गुडविल खुद की सेल्फ जनरेटेड है, जिस ठीक है ना, सेल्फ जनरेटेड, और यहां पर मान के चलिए परचेज मतलब कि आप किसी की वैल्यू को परचेज कर रहे हो, ठीक है ना, तो दैट इज द सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड मतलब कि इनहेरेंट, यानी आपकी खुद की वैल्यू आपने क्रिएट किए, क्रिएशन योर वैल्यू, ठीक है। ये इंटरनली जनरेट होती है, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स बिजनेस में बहुत सारे रन होते हैं जो आपके फैक्टर मतलब कि आपकी लोकेशन, आपका बिहेवियर,
आपके प्रोडक्ट क्वालिटी, जैसे कि टाटा का प्रोडक्ट, महिंद्रा का प्रोडक्ट, ये इनकी गुडविल खुद की है, दैट इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, देखो सेल्फ जनरेटेड में सबसे पहले तो हम अपनी कॉस्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, कॉस्ट नॉट फाउंड, ये सब्जेक्टिव नेचर पर डिपेंड करती है। कोई कहता है कि भाई मेरी वैल्यू 1 करोड़ की है, कोई कहता है मेरी वैल्यू 100 करोड़ की है। जैसे सिंपल है, आप विराट कोहली की वैल्यू कितनी मानते हैं, जब आईपीएल में उसका वैल्यू कैलकुलेट होगी तो दैट इज द परचेज गुडविल, लेकिन वो खुद की वैल्यू क्रिएट कर रहा है, दैट इज द 100 करोड़, इट इज द सेल्फ जनरेटेड। इसको हम कहीं भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे नाउ परचेज ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल का मतलब क्या है, मैंने लास्ट सेंटेंस में बोला था तो, कि परचेज गुडविल में हमेशा दो पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो आप यहां देखिए, अदानी बाय एसीसी सीमेंट, तो एसीसी सीमेंट को किसने बाय किया, अदानी ने, तो अदानी पेड एक्स्ट्रा कंसिडरेशन जो भी एक्स्ट्रा कंसिडरेशन है वो हमेशा क्या होगी, गुडविल होगी। जैसे कि देखिए, जब हमने एसीसी की कॉस्ट मान लो 100 करोड़ है, बट अदानी पेड 300 करोड़, तो व्हाट इज द गुडविल, 200। व्हाई ही पेड द 200, ड्यू टू हिज वैल्यू। That is the purchase goodwill. Okay? Factors क्या होते हैं? अब देखो purchase goodwill आती कहाँ से है? ये purchase goodwill हमेशा create कौन होती? Creation कहाँ से होता है इसका? AS-14 से। जैसे simple है, father इसका कौन है? Parental इसके कौन है? Purchase goodwill के AS-14। But इसको पालना कैसे है? मतलब कि इसको पालने का मतलब है, इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, वो एएस बताता है 26। इसका रखरखाव कैसे किया जाएगा, मतलब कि मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, आप ये मान के चलिए इसको मेंटेन कैसे करेंगे, वो हमें एएस 26 बताएगा। और पेरेंट कौन है इसके, एएस 14, ठीक है। तो परचेज गुडविल मींस गुडविल फॉर विच कंसीडरेशन हैज बीन पेड। देखिए दो पार्टी आ गई, एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है। इसमें फेयर वैल्यू से आप ज्यादा पेमेंट करेंगे, मोर देन कॉस्ट, दैट इज द गुडविल, ओके। तो देखिए ये लिखा है, व्हेन द बिजनेस इज परचेज द एक्सेस परचेज कंसीडरेशन ऑफ इट्स नेट एसेट एंड लाइबिलिटी नोन एज द परचेज गुडविल। अब इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड किसकी वजह से कर रहे हैं, ड्यू टू एएस, ठीक है। तो फीचर ऑफ परचेज गुडविल में देखो, परचेज ऑफ ब्रांड, हम किसी का ब्रांड परचेज कर रहे हैं जिससे हमें एडवांटेज होना जरूरी है। कंसिडरेशन पे करेंगे, जैसे हमने लास्ट केस में हमने पढ़ा 300 करोड़ रुपीज का, ये हमेशा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होगी एएस 26 की वजह से, ये हमेशा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, एमर्टाइज करेंगे हर साल, मतलब कि डेप्रिसिएशन लगाएंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने गुडविल के फीचर्स पढ़े कि गुडविल क्या है, क्या होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो आज हमारे लिए यही लेक्चर पार्ट वन में है, कल हम लोग पढ़ेंगे कि हम ये क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है इसका, हम क्यों गुडविल इसकी जनरेट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।